हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक साइंस और मैथ्स का पेपर आने वाला है। सबको पता है कि यार पेपर मैथ्स का लेंथी भी हो सकता है, साइंस का भी कुछ भी हो सकता है। तो आपकी एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, कैसे भरना चाहिए वो मार्कशीट, टाइम सेव हो जाए। देखो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर वन कर लिया, मान लो वन का आंसर बी है तो पूरा बी भर देंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे आंसर तुरंत बॉक्स में बी लिख देंगे, फिर ऐसी सी, यानी कितना टाइम लगाएंगे, पहले फर्स्ट करेंगे, फिर उसको कॉपी को अलग करेंगे जहां लिख रहे हैं, फिर उसका आंसर। ऐसे आपको नहीं करना। आप क्या करेंगे, सिंपल, आपने मान लो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, आंसर बी है, बी पे हल्का सा डॉट पेन से ऐसे रख दीजिए बस, ठीक है, बस आपको पता लग जाए। मान लो सेकंड का क्वेश्चन का, क्योंकि इससे फायदा ये होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, भरने में क्या होता है उसकी पोजीशन अच्छे से लेनी पड़ती है। आपने फील किया हो तो आपने देखा होगा, बिल्कुल साइड में ले जाके, बिल्कुल बीच में रख के फिर आराम से भरना होता है, कहीं की डिस्टर्बेंस। और लेकिन जब अगर आप फॉर एग्जाम्पल सिर्फ डॉट लगा रहे हो तो आपके बगल में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, मान लो सेकंड का आंसर ए है, डॉट लगा दिया, थर्ड का आंसर डी है, डॉट लगा दिया, ऐसे कर करके कर लिया। और हो सकता है मान लो कोई आंसर चेंज भी करना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपने ए का आंसर डी लगा दिया तो डी को डार्क कर देना, इसको कुछ मत करना, बॉक्स में डी लिख देना। इस तरीके से आप टाइम को सेव कर सकते हो, ये तरीका आप जरूर अपनाना। साथ के साथ हमारी जो क्लास है 20 आवर्स की, ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसी साइंस का पेपर होगा हम लोग करने वाले धुआंधार 1000 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, लास्ट में की बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।